अभी अपन जा रहे हैं आइस स्केटिंग करने, मतलब मैं तो घंटा नहीं करता बट हमारे ये वाले भाई करते हैं। और अभी मैं फाइनली ये होटल खाली कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई अदर होटल जहाँ पे वो पूरी टीम होगी जो चादर ट्रक पे हम जाने वाले। तो लेट हो रहा है यार, फटाफट सामान वामान पैक करते हैं। मैंने क्या बिखेर के रखी हुई चीज़ें, क्योंकि अंकित भाई आने वाले नीचे पिक करने के लिए, वहाँ के मतलब गला ना दबा दे। तो बाय बाय बाय। अपन पहुँच चुके हैं और मेरा जिंदगी का सपना पूरा हो गया है। मुझे एक ऐसे होटल में जाना है जिसके अंदर बतख बनी हो बेड के ऊपर, तो वो बनी हुई है, उजाड़ देते हैं इस बतख को। अचानक से अभी सीन बन गया आइस क्लाइंबिंग का और उसके लिए निकलते हैं, देखते हैं कैसा माहौल है। कौन से विलेज जा रहे हैं अपन? गंगलीस। गंगलीस भैया। अपन पहुंच गए ऑलमोस्ट अड्डे पे, वो एक फ्रोजन वाटरफॉल है और वहीं पे चढ़ना है। अंकित भाई हमारे चीते जो ये करने वाले हैं, जो अल्पाइन क्लाइमर बन रहे हैं, बन रहा हूँ मतलब ऐसा ही बोलते हैं, पर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली कि जो साले कुछ नहीं करते घंटा फिर भी गाते हैं कि मैं हूँ, तो अंकित भाई वैसे नहीं है। आई फॉरगॉट हिज नेम, भाई का नाम लोबजान। लोबजान आप भी क्लाइम करते हैं ना? ये तो तोहीन है लद्दाख की। यहाँ से जाने क्या है भाई? तो बड़ा मजा आ रहा है हमारे। क्या हुआ यहाँ के कुत्ते? कल था एक। सो भैया फाइनली अपन यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स की थोड़ी कमी थी एंड हमें लगा था कोई क्लाइंब कर रहा होगा, बट ऊपर वाले हिस्से पे कोई क्लाइंब नहीं कर रहा है। तो अपन कल आएंगे, कल क्लाइंब करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, ये रात को इन्होंने पानी रखा था, जम चुका है, सुबह इसको तोड़ के फिक्स विक्स कर रहे हैं भाई लोग। इसको कैसे करने वाले हो आप? अभी इक्विपमेंट नहीं थे जैसे कि हमने बताया, तो अभी थोड़ा प्लान में हो गया चेंज। अभी अपन जा रहे हैं आइस स्केटिंग करने, मतलब मैं तो घंटा नहीं करता बट हमारे ये वाले भाई करते हैं। अंकित भाई भी नहीं करते हैं जहाँ तक हमारे पास इन्फो। अच्छा, हम नेशनल प्लेयर्स के साथ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं अपन बड़े लोगों को जानते हैं, पीछे चैंपियन क्लाइंबर है इधर ये, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अपन जानते हैं काफी पावरफुल खिलाड़ी। फाइनली हम पहुंच गए हैं आइस स्केटिंग वाले अड्डे पे। एक्चुअली ये फ्रोजन पॉन्ड है, मतलब लेक पॉन्ड जो भी है, इसके ऊपर ही बच्चे लगे हुए हैं और अपन भी करते हैं। और भाई हमें अभी आतिशबाजी करके दिखाएंगे यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। I might rent the Lambo and go drive it like it's stolen. I've been living wild, I'm just going through the motions. Something out the Uber, grab my egg. Finally, अपन ऊपर आ चुके हैं। जो आइस स्केटिंग ग्राउंड है बोलने को, ये एक फ्रोजन पॉन्ड है और अपन जा रहे हैं आर्मी वाले एरिया के साइड में, जो लद्दाखी स्काउट्स हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या यार मैं फिसल रहा हूँ। चलते हैं यार, बड़े क्यूट क्यूट से बच्चे हैं भाई। फाइनली शिकारी चीते यहाँ पे आ चुके हैं, तैयार हो गए और ये गेम स्टार्ट करने वाले हैं। वो छोटू कौन है ये नहीं पता, ये सस्पेंस बना हुआ है, बट ठीक है। नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट इट। शुरू करो भैया। Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got a LB on the water's cold case. I wake up with pain some time and never go away. Wonder why I balance on my knees when I pray. In my city gritty, gotta keep it on your waist. Or you might be a victim, they'll find you DOA. How can I really been addicted to you? All of my attention I've been giving to you. आपका नाम क्या है?
मेरा नाम दोर्जे है। दोर्जे यार, आप लोग कितने सालों से खेल रहे हो आप आइस हॉकी? मैं लगभग 9 साल से खेल रहा हूँ। 9 साल से? तो अभी कोई टूर्नामेंट होने वाला है जिसका प्रैक्टिस कर? अभी यहाँ पे हो रहा है, खेलो इंडिया का हो रहा है। खेलो इंडिया का आप कर रहे हो, चलो भैया बेस्ट ऑफ लक। आप कौन सी टीम से खेलने वाले हो? मैं फिलहाल आर्मी की तरफ से। अच्छा, आर्मी की तरफ से, बेस्ट ऑफ लक यार, वी आर प्राउड ऑफ यू। फाइनली इनकी प्रैक्टिस खत्म हो गई है और मेरे को भूख लग रही है और बाकी लोग भी वहाँ पे अंकित वगैरह वेट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ से निकलते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा था यार, वन ऑफ ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो जिस टीम को मैं कवर कर रहा था, बाय द वे, वो इंडियन आर्मी की टीम थी। मज़ा आ गया। ये बहुत क्यूट से लामा है। आप पहली बार कर रहे हो? करो करो करो, गिरना मत। तो ये भाई हमारे नए दोस्त है नॉर्गू, एंड नॉर्गू ने मेरे लिए कुछ शॉट्स बनाए हैं। तो नॉर्गू क्या करते हो यार तुम? नॉर्गू म्यूट करके बात करता है। नॉर्गू बहुत शर्मा चुका है, शायद इसकी गर्लफ्रेंड देख लेगी या पता नहीं क्या मसला है। कोई दिक्कत है ऐसा? नॉर्गू बहुत ही ज़्यादा शाही है। चलो भाई हम यहाँ से विदा लेते हैं, अंकित भाई गला दबा देंगे, नहीं तो बहुत लेट हो गया। चलिए बाय। तो भाई एकदम ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारी बीपी रीडिंग वैसे सही आई है। चलिए गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है कर दीजिएगा।